आगामी मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब विकास कार्यों को गति देने की कवायद शुरू हो गई है। मनपा स्थायी समिति ने बजट में विविध मदों पर मंजूर निधि पार्षदों के कामों पर खर्च करने के लिए स्थानांतरित कर दी है। 41,50,00,000 के पुनर्विनियोजन प्रस्ताव को स्थायी समिति में मंजूर किए जाने की जानकारी सभापति प्रकाश भोयो द्वारा पत्र परिषद में दी गई। मनपा में 5 वर्ष के कार्यकाल में भले ही पार्षदों की ओर से विकास कार्यों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई हो, लेकिन अब आम चुनाव सामने होने से हर पार्षद विकास निधि पाने के लिए जुटा हुआ है। निधि के लिए स्थायी समिति सभापति से इन प्रकारिन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। पत्र पाने में सर्वाधिक सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, उनकी नाराजगी झेलना संभव नहीं है। ऐसे में सभापति की ओर से 41,50,00,000 रुपए की सिफारिश पत्र भी जारी कर दी गई, जिसका हश्र यह हुआ कि सड़कों के लिए बजट में प्रस्तावित निधि से अधिक के पत्र बांट दिए गए, जिससे अब बजट में ही पुनर्विनियोजन करने की नौबत आ गई है। इस संदर्भ में शुक्रवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में भाजपा के ही सदस्य संजय पाल पांडे ने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा, जिसे समिति द्वारा मंजूर किए जाने की जानकारी सभापति प्रकाश भोयर ने दी। भोयर ने कहा कि बजट में 63 करोड़ की निधि सीमेंट रोड के लिए रखी थी, इसमें 15 करोड़ की कटौती होगी। इसी तरह अन्य विकास कार्यों को रोककर अब 41,50,00,000 रुपए जुटाए जाएंगे। कि 3 वर्षापासून नागपूर शहरामध्ये विकास निधि थांबलेला आहे। एका काळात मुंडे साहेब होते, मुंडे साहेबांनी पहिले प्रदीप पोहाण्यांचं जे बजेट होतं ते थांबवलं गेलं, त्यानंतर मागच्या वर्षी कोविड होता आणि कोविडमध्येही विकास कमी झाले नाही। यावेळेस संपूर्ण शहरातील जितकेही नगरसेवक आहेत त्यांचा आक्रोश होता आणि प्रत्यक्ष भागामध्ये विकासात्मक कार्य करण्याची त्यांची डिमांड्स होती। जितके पैसे आम्ही रस्त्याकरता ठेवले होते ते पैसे ठेवल्यानंतरही जवळपास 28 ते 30 करोड़ रुपयाची एक्स्ट्रा कामे नगरसेवकांनी मागितली, पण ते आता देणं शक्य नव्हतं कारण असलेलं बजेट पूर्ण झालं होतं आणि त्यामुळे नवीन एक रिवाइज बजेट तयार करायचं आणि त्या माध्यमातून वेगवेगळे फंड आता खर्च होऊ शकत नाही। साथ ही कायाकल्प करने की घोषणा की गई थी, किंतु अब सड़कों के काम करने के लिए इन खेल मैदानों के लिए रखी गई निधि में कटौती होनी जा रही है। यही कारण है कि खेल मैदानों का विकास भी खंडित हो जाएगा। खेल मैदान के लिए 4 करोड़ की निधि का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 2 करोड़ की निधि कम कर दी जाएगी। इस तरह अलग अलग विकास कार्यों पर भी कैंची लगेगी। सभापति भोयर ने कहा कि स्थायी समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन अब मनपा की सभा में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इस पर अमल होने की आशा भी उन्होंने जताई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।